एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सारे स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे अपने अपने घरों में। जनाब, आज के डेली व्लॉग की शुरुआत हो रही है। दिन के 3 बजे, 2:45 हो चुके हैं, 2:46 हो चुकी है। तो दिन को मतलब भरी दोपहर में व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। मॉर्निंग में सो गई थी, मतलब 11-1 बजे के अराउंड जो है वो ध्रुवी को लेकर रूम में गई। मुझे लगा सो जाएगा सो जाएगा। इतने एफर्ट डालने के बावजूद मतलब 11:30 के बाद मैं कंटिन्यूस को सुलाने की कोशिश कर रही थी, बट वो फिर भी नहीं सोया। 1 बजे उसके बड़े पापा आए और उसको उठा के बाहर ले आए। ज़बरदस्ती मत सुलाओ, कहते इसको, मैं फिर ले ही जाओ। मैं थोड़ी देर रेस्ट किया, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में जो है वो फिर आई, लंच किया अपना। अब उसके बाद नींद ही नहीं, फिर दोबारा तो नींद आती नहीं। एक बार नींद खुल जाए ना, फिर मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी कभी भी नहीं। तो फिर मैंने सोचा व्लॉग ही शूट कर लेती हूँ। सोच रही थी पहले इवनिंग से शुरू करूँगी, फिर मुझे लगा मैं कुछ बातें कर लेते हैं इस बहाने, काम ही थोड़ी दिखाते रहना, हमेशा बात भी करेंगे ना थोड़ी बहुत, मैं कब बातें भी हो जाएगी। तो इसीलिए अब भी ब्लॉग शुरू कर दिया। पहले फ़ोन को कहीं एडजस्ट कर लेती हूँ, है ना, 1 मिनट। हाथ में पकड़े पकड़े अजीब लगता है ना, बाजू भी थक जाते हैं। तो फिर ऐसे ठीक है, विंडो में चिपका देती हूँ। मेरे पास मतलब वो ट्राईपॉड था, पहले लिया था मैंने, बट वो तोड़ दिया ध्रुवी ने। तो अब दोबारा परचेज करने का सोच रही हूँ, बट अभी तो दैट्स वाई अभी लिया नहीं है, बाद में ले लेंगे। अभी मैं फिलहाल जो है वो अपने जो दूसरी वाली वीडियो में शूट करती हूँ ना, उसके लिए इसका मतलब इससे निकालने वाली थी कुछ बातें जो शेयर करनी है मुझे उसमें, हेल्दी लाइफस्टाइल वाले चैलेंज में। तो इसको रीड आउट करने वाली थी मैं, का थोड़े थोड़े पॉइंट निकाल के जो है वो तैयार कर देती हूँ कुछ मेन मेन बातें उस वाली वीडियो के लिए। सब बताइए कि आप लोग कैसे हो, और आजकल कमेंट बहुत कम आ रहे हैं वीडियो पर। वीडियोज़ जो है वो लोग काफ़ी देखते हैं बट फिर भी कमेंट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं, लाइक भी नहीं करते हैं। और एवरेज ड्यूरेशन मेरी वीडियो की अच्छी आती है, लेकिन कमेंट के हिसाब से लगता है कि पता नहीं तुम वीडियो देखते भी हो कि क्या करते हो, सीधा ओपन करके छोड़ तो नहीं देते हो, एक भी कमेंट नहीं करते हो, क्या करते हो। कुछ गिने चुने लोग हैं जो कमेंट करते हैं, बाकी कमेंट ही नहीं करते हो यार। कमेंट कर दिया करो और वीडियो लाइक कर दिया करो और अगर चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर ही दिया करो ना, एक बेल आइकन प्रेस कर देना, बस कितना ही टाइम लगेगा बट मेरी तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी अगर आप ऐसा करोगे, ठीक है। तो क्या है, दिन को इतनी धूप होती है ना, मतलब बहुत ज़्यादा धूप होती है। मैं दिखाऊँ आपको बाहर, ऐसा लग रहा है आग निकलने वाली है, लेकिन पिछले 4 दिन से शाम शाम को बारिश हो रही है। तो बहुत अच्छा, मतलब एक तालमेल सा बैठा है, दिन भर धूप और शाम के 4-5 बजे के बाद, 5 बजे के बाद मोस्टली, 5-6 बजे के बाद बारिश होना शुरू हो जाती है। तो शाम के टाइम मौसम एकदम ठंडा पड़ जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अभी पौधे मतलब जो कुछ हमने बीजा है ना, थोड़ा बहुत कहीं पे भिंडी, कहीं मिर्च, कहीं कुछ, वो सारे ऐसे सिकुड़ के ऐसे हो जाते हैं बेचारे दिन भर, लेकिन जब बारिश होती है ना शाम को तो एकदम फ्रेश फ्रेश हो जाते हैं, खिल खिल जाते हैं। मैं दिखाऊँ आपको बाहर कैसी आग लग रही है। ओहो हो, इतनी धूप ना, इतनी धूप की बस पूछो मत। जो ये वाला खेत है ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इतनी धूप डायरेक्ट नहीं पड़ती है, यहाँ के पेड़ पौधे फिर भी थोड़े बेचारे, चलो है इनके अंदर कुछ जान प्राण बची हुई थोड़ी बहुत, है ना। इधर इतनी धूप नहीं लगती क्योंकि इधर पेड़ है ना ज़्यादा, इसलिए हमने ये भी यहाँ पे ही लगा के रखे हैं, ये जो मतलब पौधे हैं, फूल है, इनको भी इसीलिए यहाँ पे ही रखा था फिलहाल, क्योंकि जहाँ पे इनको हमने लगाना है बेसिकली वहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा पड़ती है। अब देखो यहाँ पर क्या फ्लावर लेके आए भैया, मेरी समझ से बाहर है। इसमें सुबह फूल था और ये देखो मतलब अभी क्या हो गया, इसको निकल गया, ये इतने रखा छाया में, इसको 5-10 मिनट की धूप लगती है इसको बस। कैसे कैसे फूल लेके आए भैया, समझ से बाहर है मेरी। ये देखो मतलब सुबह इतना अच्छा फ्लावर निकल गया था, इसमें पिंक कलर का था और इसमें पर्पल कलर का था, हो गए ख़त्म दोनों। और ये है, ये दोनों पौधे साथ साथ लगते हैं, कहते हैं सुख शांति है इन पौधों का नाम। भैया तो कह रहे थे इनकी, हाँ ये थोड़ी ब्लैक है, इसका जो स्टेम है ना ये ब्लैक है थोड़ा, तो इसको सुख बोलते हैं, और इसका स्टेम थोड़ा ग्रीन है तो उसको शांति बोलते हैं, पता नहीं भैया। तो ये मनी प्लांट है, इसको बाहर ही धर दिया हमने, इसको अंदर ले जाना था बट इसका पॉट हमने चेंज करना था। अभी तो ये बस उन्होंने वैसे जिस मतलब जहाँ से लाया है ना माली से, उन्होंने जिसमें लगाया था उसी में ही है ये, पर इसका पॉट हमने चेंज करना है अभी। और ये वाली है ब्लैक तुलसी, और ये पता नहीं कौन सा फूल है, अभी ये भी पता नहीं लग रहा है क्या है, ये भी पता नहीं क्या है, ये तो पहले का लगाया हमने, इतना मुरझा गया था ना, लेकिन जब इसे इसमें रेगुलर पानी डालना शुरू हुआ ना, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही सुंदर लग रहा है। सबसे प्यारा तो यही लग रहा है, बिना इसमें फूल निकले ना निकले, पर कितना सुंदर लग रहा है ना। और ये वाला पता नहीं कौन सा पौधा है यार, ऐसे ऐसे चीज़ें लेके आए ना, समझ ही नहीं आते, ठीक है। तो ये है अनार, बाकी दिखाऊं मैं आपको, देखो कितनी धूप है यार, बहुत तेज़ धूप है।
ये जो यहाँ पे भिंडी दिख रही है ना, इसके बीच मुझे ना गोबर डालना है शाम को, तो मैंने दाल अभी चढ़ा के रख दी है अंदर इन भिंडी के बीच में। इधर थोड़ी बहुत ये बीजी है, मिर्च बीजी है उसके बीच में। शाम शाम को ना मतलब खेत का काम करना अच्छा लगता है, थोड़ा बॉडी भी मतलब थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है बॉडी की भी, और थकान सी भी हो जाती है, तो रात को नींद भी काफ़ी अच्छी आ जाती है। मतलब अब आधा पौना घंटा एक घंटा भी लग जाए खेतों में, अच्छा टाइम निकल जाता है, बेले रहने से तो अच्छा ही होता है। दाल मेरी पक भी गई है पता है, 3 बजे भी दाल पक के रेडी हो गई है मेरी, और मैं पिछले आधे घंटे में तीसरा गिलास पानी का पीने लगी हूँ, इतनी गर्मी है। पानी तो मटके का ही पीती हूँ मैं, तीसरा गिलास है पिछले आधे घंटे के अंदर। 3:27 हो चुके हैं, तो अभी भी बाहर धूप बहुत ज़्यादा है, जोरों शोरों से है, तो लाली के पास जाने का टाइम अभी हुआ नहीं है, थोड़ी देर से जाऊँगी जब धूप थोड़ी शांत हो जाएगी, धूप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अभी मैं फ़िलहाल क्या करने लगी हूँ, ये है लहसुन है ना, तो इसको सारी छिलकी जो है इस डब्बे में भर लेती हूँ, एयर टाइट कंटेनर में, फ्रिज में रख लेती हूँ, मतलब हफ्ते हफ्ते तक जरूरत नहीं पड़ती है लहसुन छिलने की, क्योंकि कई बार क्या होता है जैसे सुबह का खाना होता है स्पेशली, जल्दी जल्दी खाना बनाना होता है और लहसुन होती नहीं है, तो फिर मैं स्किप भी कर जाती हूँ, मैं डालती नहीं फिर लहसुन, कौन लहसुन छिलने बैठेगा, इतना टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं शुरू सुबह से यही करती हूँ, इसको फुल करके रखती हूँ इस डब्बे को, और कल वैसे मम्मी के पास दी थी मैंने, वैसे मम्मी जब बैठे होते हैं ऐसे हम फुर्सत में ना बातचीत करने के लिए गप्पे मार रहे होते हैं बस, तो उस टाइम पर ये सारा काम पकड़ा देती हूँ मैं मम्मी को, या मम्मी छिल देते हैं या खुद उनके साथ बैठ के छिल देती हूँ, तो इसको भर के रखते हैं, फिर हफ्ता आराम से निकल जाता है, मतलब ख़राब भी नहीं होती बिल्कुल भी नहीं, बट एयर टाइट होना चाहिए कंटेनर, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है, फ्रेश रहती है। तो बस मैं अभी वही करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बेला टाइम है, करूँ क्या मतलब अब कुछ है नहीं और करने के लिए, तो मैंने सोचा ये काम मैं ही कर लेती हूँ। अरे भी मेरी बातें तो खत्म ही नहीं होती कभी भी, मैं तो नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ, मतलब मैं 2-3 घंटे की वीडियो बातों बातों की बना सकती हूँ, कुछ करने या दिखाने की ज़रूरत नहीं मुझे, बातें ही करूँगी बस इतनी। लाली के पास आई हूँ उसको चुक कर देना है, तो जितनी बार भी मैं आती हूँ ना दो दो प्लम निकाल लेती हूँ खाने के लिए। मैं लाली को चुक कर दे के आ गई, इधर आई थी वाली गेट में, यहाँ पे देखो तरबूज बीजे थे ना मैंने, कितने बड़े बड़े हो गए हैं, और ये मतलब मुझे लग रहा है जितने मैंने ये बीज डाले थे ना सारे ही बीज उग गए हैं यार, यहाँ देखो कितने सारे लग गए, ये देखो सुंदर लग रहे हैं ना। ये मैंने टमाटर बीजे थे ना यहाँ पर, देखो दिख भी नहीं रहा है, ये पता नहीं पत्ते काट रहे हैं, देखो मुझे लग रहा है ये जो वो थाड़ा बोलते हैं हमारे अपनी लैंग्वेज में ना, वो है शायद इसको ऊपर से जो काट लेता है, यहाँ पर देखो ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, और ये वाला देखो ये भी यहाँ से काट दिया यहाँ से, और ये लगाया मैंने क्या पपाया, यहाँ पे पपाया के बीज डाले थे मैंने बहुत सारे ना, तो यहाँ पे देखो पहले मुझे लग रहा था, पहले मुझे लगा ठीक है पपाया ये है जो बिल्कुल छोटे छोटे थे, फिर जब ये बड़े होने लगे इनको सिंगल ऐसी पत्तियाँ आने लगी ऐसे वाली ना, फिर मुझे लगा यार पपाया की ऐसी तो होती नहीं है, फिर जब ये बड़े बड़े हो गए अब ऐसे आ रही है, फिर मेरे को लगा नहीं नहीं पपाया ही है, क्योंकि उसकी पत्तियाँ ऐसी होती है ना 3 वो निकलते हैं उसमें, तो ये वही है पपाया के बीज डाले थे मैंने यहाँ पे। ये इस वाली खीरा की बेल में ना अब देखना कितनी खीरा लगने वाली है, एक तो ये है यहाँ पे, ये थोड़ी बड़ी भी हो गया ना, अब ये देखो एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है नीचे है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है नीचे देखो, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, अब बहुत सारी लगने वाली है एक साथ में, ये देखो यहाँ पे भी है, मेरी मेहनत का फल, बड़ा मज़ा आता है देखने में। मैं बार बार चक्कर काटती रहती हूँ इधर को। ये ना मैंने यहीं पे गार्डन में जो है ना 2 मिर्ची के पौधे लगा के रखे हैं, और इसके आसपास इतना घास इकट्ठा हो जाता है ना, मतलब पता ही नहीं लगता है मिर्च का और घास के बीच में, बहुत मतलब एकदम पूरा ही एक जैसा हो जाता है हरा हरा ही, तो मैं इसके आसपास वाली घास तो निकाल देती हूँ, बाकी रहने देती हूँ,
क्योंकि घास भी छोटा छोटा है ना, अगर थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है, फिर लाली के काम आ जाएगा। छोटा छोटा घास तो मतलब वैसे ही है, उसको भी कोई फ़ायदा नहीं। थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर अच्छा है, निकालने में भी आसानी होती है, प्लस लाली के काम भी आ जाएगा। ये वाली मिट्टी रेतली है ना, इसमें रेत है मतलब नीचे, इसीलिए इस पर बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर जाता है और नमी रहती है, जैसे पानी वगैरह डालते रहते हैं नमी रहती है तो घास जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। और ये है टमाटर का पौधा ना, अपने आप ही उगा है, मतलब कई बार यहाँ पर सर्दियों में जैसे बर्तन बुर्तन धोते हैं या इधर उधर फेंकते होंगे, तो टमाटर देखो कितने अच्छे लगे, और साइज़ देखो टमाटर का, छोटे छोटे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं मतलब। और यहाँ पे देखिए ये है फ्रास्बिन, और इसकी बेल निकल गई थी तो मैंने बस थोड़ी सी छोटी सी लकड़ी लगा के रखी है, तब इसमें मैं कहा ऊपर बढ़ेगी ना बेल तो इसमें ऊपर रेलिंग में डाल दूँगी। और ये है वो फूल, ये है भिंडी, इसमें भिंडी की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है इस वाली क्यारी में। और यहाँ पे देखिए अब तो इसमें ब्रांचेस निकल गई है, इस वाले फूल में काफ़ी अच्छी ब्रांचेस निकल गई है मतलब। और ये अच्छे हैं फूल क्योंकि पानी बहुत कम मांगते हैं ये, और धूप भी पूरी दिन की ले लेते हैं, सदाबहार फ्लावर कहते हैं इनको, सदाबहार। और इंग्लिश नाम क्या पढ़ा था मैंने इनका यार, विंका, विंका फ्लावर। इसमें भी कुछ फ्लावर से निकलने लग गया है ना, लग रहा है ना रेड रेड सा। ये भी उन्हीं फूल में से है जो भैया लेके आए थे ना, उनमें से थे ये दो प्लांट ना जो मैंने यहाँ पे लगा दिए थे, तो इसमें भी कुछ रेड रेड सा लग रहा है ना, फ्लावर आने वाले हैं शायद। तो एक बात बता, ये रोटी तूने ऊपर से पकड़ के तो लाई यहाँ, एव कहीं देखे देखे हो जे पिटल लेने आप डे हैं, उठा लूँ इसको, उठा लूँ इसको परे, उठा लूँ हैं, मैक सूख ले रखी है, मैक सूख ललचाने के लिए रखी है, बोलो ध्यान से देखो। जब हमारे पास ऐसे फ़ोन थे तब हमारे को ताने मारते थे कि बल्ले फोन में चिपके होते, फोन में चिपके होते, दिखाना हाथ में क्या देख रहे हैं आप, अब खुद फोन में चिपके हैं, ऐसे होता है, क्रेज है ये, जिसके पास होता है वही समझता है, जिसके पास होता नहीं वो दूसरे आदमी को ऐसा समझता है कि, तब हमारे को ऐसे बोलते थे काटने थे मेरे तुम्हें काटने थे आज खुद बैठी है काटू मुँह पाट लगा वैसे हो सबसे खराब हो गई, बारह बात कर दिया वे, तड़क भी दी थी पता है, काफ़ी पहले ही तड़क दी थी मैंने, जल्दी तड़क दी थी उस टाइम पे, शायद 3:30 भी नहीं हुए थे 3:30 क्यों 4 बजे थे शायद, हाँ 4 बजे के अराउंड मैंने तड़क दी थी दाल। तो हम खेत जाएंगे, जो भूलनी है वो क्या है, पानी पीना, कहीं भी आना जाना हो पहले पानी पियो। जैसे मैं खेत जा रही हूँ अभी पानी पी के जाऊंगी, मेरा तो कुछ और प्रोग्राम था लेकिन मम्मी ने बोला कि मैं भी चलती हूँ, तो अब हम यहाँ साथ वाले खेत में जो है वो गोबर फैलाएंगे सारे खेत में, वहाँ पे खुदाई करनी है हमने, कुछ बीजना है वहाँ पर ना, मक्की बीजनी है, हाँ कुछ क्या मक्की बीजनी है, तो वहाँ पे जो है वो खुदाई भी करनी है और गोबर भी फेंकना है। तो मम्मी ने बोला कि उससे अच्छा है उधर चलते हैं वहाँ पे कर लेते हैं, मैं कहा चलो फिर ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीड ऐसा जब भी बीज वाले ही है शायद, ये भी है ना अनार, सीडलेस नहीं है हमारे पास, नहीं लगते ये क्या है ये क्या है हंडकू ढूंढकू, नहीं खुदाई के लिए भी अच्छा है ये, अगर खोदनू भी है जो पटलू पहले सड़ा, ये ऊपर ऊपर वाला तो ताजा ही है ना लाया हुआ, उन्दी उन्दी आने जो ऐसे ऐसे आने जो छोड़ दो, इधर इधर होना ये सड़ा हुआ, हाँ इसी आसा इं आली पास छड़ी दिया, नहीं नहीं नीचे नीचे, तो ये तो सारा नया ही है इधर, तो ये तो सारा नया डाला है जो अलग गोबर इसी वाला, इधर वाला है थोड़ा छोड़ो नहीं इतनी चुना। हाँ जी ना, अब गोबर फिर हमने डाला नहीं क्योंकि गोबर सड़ा हुआ था ही नहीं, तो बस हमने ये थोड़ा सा घास निकाला है ऐसे उखाड़ उखाड़ के, और फिर हो गया है। फिर हमें चपले पहननी है, तो चपली दो पे
नो मम्मा नहीं है यहाँ, मम्मा पता नहीं कहाँ है। पर देखो कहाँ है मम्मा, पर इधर देखो सीधे बैठो, ऐसे बैठो कुंबला फंसा बैठे तो। हाँ फंसा कुंबला, कुंबला कुंबला कहाँ फंसा, कुंबला कुंबला का कुंबला बुलाया। ध्रुविया भी अभी सोके उठा है और यहाँ पे पापा ना पानी डाल रहे हैं भिंडी में। आगे मैं खेत से चल के जो सोचा था वैसे तो कुछ किया ही नहीं, मम्मी मुकर ही गए कहते सड़ा नहीं है ऊपर तो फिर डाला नहीं, इसलिए थोड़ा सा घास निकाल के आगे। आज मम्मी गए है कॉ मिल्किंग के लिए, शाम को कॉ मिल्किंग के लिए, पता नहीं कितने महीने बाद गए हुए, कब गए थे लास्ट टाइम याद भी नहीं है। देख ले तूने चला पड़े, सो तो नहीं गए वहाँ, चाय लगा कर रखी, मैं कहा ही नहीं रहे, चाय बन गई है। बेहोशी तो नहीं हुई, बेहोश तो नहीं हुए, वॉक करते करते ना मेन रोड में ही आ गई ऊपर को, और अंधेरा भी है इधर, भालू भी होते वैसे तो। ये देखो यार मून इतना सुंदर लग रहा है ना, ऐसा लग रहा है सूरज ही होगा, मून काहे का लग रहा है, ये तो सूरज ही लग रहा है। काश मेरे साथ कोई और होता ना तो मैं काफ़ी देर तक वॉक कर सकती थी, बट अकेले तो डर ही लगता है, अब जाना पड़ेगा वापस। वॉकी वॉकी हो गई तो जनाब इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, आपसे मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। बाय बाय, स्ट्रीट लाइट भी ऑन होगी।